तो आज हम देखेंगे अर्जुन कपूर एंड भूमि स्टारर मूवी द लेडी किलर का ट्रेलर। देखते हैं कैसा है ये ट्रेलर और करते हैं इस बारे में बातें। तो करते हैं स्टार्ट। लगता है कोई ऊपर बैठा है, सिर्फ मुझ पर नजर काट रहा है। बड़े लोग हैं, हाजिरी ठोक के काम आते हैं। किन से मिलना? विक्रम बर्मन से। यहाँ सब उन्हें महाराज बुलाते हैं। मिलने आया है दुकान लगाने? दुकान तो हमेशा लगी रहनी चाहिए, ग्राहक और भगवान बोल के नहीं आता। दो आदमी है तेरे अंदर, बिस्तर में एक, बिस्तर के बाहर एक। मुझे लगता है तुम्हें एक अच्छे गाइड की जरूरत है। पहाड़ों में ना स्पीड लिमिट होती है। आराम से किससे मिला है ना? चल मुझे भी मिलना उससे, चल ना साथ में चलते हैं ना। सुन कसरा, अपनी उम्र के बच्चों में दोस्ती हो ही जाती है, लेकिन इस उम्र की दोस्ती चलती नहीं है। चुप चुप के क्यों देख रहे थे? अच्छी लगी थी तो मुझे तो सुन लो। दुनिया इतनी तेज हो गई कि शर्म आती है। झूठी रानी हो ना मैं? क्या किया है तुम दोनों? पुलिस आई हुई है तेरे घर। गिराती है खुद पे। झूठ पे झूठ पे झूठ। दरवाजा तोड़ के अंदर आएगी और हम नंगे मिलेंगे रसाई के नीचे। कहा था ना मजाक मत बनने देना मेरा। तो हमने देखा अर्जुन कपूर एंड भूमि की मूवी द लेडी किलर का ऑफिशियली ट्रेलर। ट्रेलर में ज्यादा कुछ मुझे अच्छा नहीं लगा, वही क्राइम वाली मूवी है। क्राइम करके भागते रहते हैं, छुपते रहते हैं, अपने आप को बचाते रहते हैं, ये इस मूवी की स्टोरी है। अजय बहल के द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है। बात करें अर्जुन कपूर की, तो अर्जुन कपूर का समय बॉलीवुड में अच्छा रहा ही नहीं अब तक, सिर्फ दो मूवीज़ को छोड़कर, इशकजादे और टू स्टेट्स। उसके बाद जितनी भी मूवी आई है, चाहे अब कुत्ते, भूत पुलिस, सरदार का ग्रैंड सन, जितनी भी मूवी आई है, इंडियाज मोस्ट वांटेड, सभी मूवी उनकी फ्लोप या डिजास्टर रही है। बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी भी फ्लोप या डिजास्टर ही रहेगी। ना ही इसमें ट्रेलर में कोई म्यूजिक सुनाई दिया, म्यूजिक ही अच्छा हो, म्यूजिक के नाम पर भी कुछ नहीं था। बात करें इस मूवी के विजुअल, कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिखाई दे रहे, वही डार्क वाले ज़्यादा सीन हैं जो कि बहुत ही कम लोगों को पसंद आएंगे। एक घर के इर्द गिर्द ही कहानी घूमने वाली है, पुलिस यहाँ वहाँ घूमती दिखाई देगी, इसके अलावा मूवी में कुछ दिखाई नहीं देगा। मेरे को तो ये मूवी नहीं चलती हुई दिखाई दे रही। बाकी अगर इस मूवी की स्टोरी लाइन कुछ अलग ही हुई, ज़्यादा सस्पेंस वाली हुई, तो दूसरी बात है, फिर ये मूवी चल सकती है। इन माई थिंकिंग ये मूवी नहीं चलने वाली। इसी पर यही था मेरा रिएक्शन। तो इसी के साथ बाय।